All right, we're cutting across live to Thiruvananthapuram, where the Indian Prime Minister Narendra Modi is revealing key details of India's first manned space missions. Top three economy बनने के लिए उड़ान भर रहा है उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। लेकिन इसके कारण पुरुष वर्ग नाराज न हो जाए, उनको तो मिलता ही रहता है अभिनंदन। साथियों, भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करती है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। और किसी भी देश के लिए उसकी युवा पीढ़ी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी पूंजी होती है। मुझे याद है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग का समय था, पूरे देश के बच्चे उस पल को देख रहे थे। उस पल में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर आया पिछले साल 23 अगस्त का दिन, चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने युवा पीढ़ी को एक नए जोश से भर दिया। इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है। आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्धियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सफलता भारत को मिली। एक ही मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश हमारा भारत है। चंद्रयान की सफलता के बाद भी आपने कई उपलब्धियां हासिल की। आपने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सुरक्षित रूप से अपने ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश ऐसा कर पाए हैं।
2024 को शुरू हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, इतने कम समय में ही आपने एस्पोसेट और इनसेट 3DS जैसी सफलता हासिल की है। साथियों, आप सभी मिलकर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे।